हेलो एवरीवन, निधि के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट मीठे पुआ, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इन्हें तुरंत बनाकर खा सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया यहाँ पर 250 ग्राम गुड़। अब गुड़ को हमें पानी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, घोल लेना है, जिससे कि इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो हट जाएगी। आप चाहे तो इसे गुनगुने पानी से भी मेल्ट कर सकते हैं। मैं नॉर्मल पानी से ही इसे अच्छी तरह से, ये देखिए हमें घोल देना है इसे पानी में। तो मैं यहाँ पर 1 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से हमें घोल कर और इसे स्ट्रेन कर लेना है। तो गुड़ का पानी हमारा तैयार है। अब पुए बनाने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर 2.5 कप गेहूँ का आटा। तो हमने यहाँ पर 2.5 कप गेहूँ का आटा अच्छी तरह से छान कर लिया है। 1/3 कप हमने इसमें ऑयल डाल दिया है मोइन के लिए, इससे बहुत ही टेस्टी बनते हैं और मुलायम भी। अब जो गुड़ का पानी लिया है हमने उसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसका एक सख्त आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं चॉप करके। तो थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसमें पानी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ना डाल दें। तो अच्छी तरह से एक सख्त डो बनाकर हमने तैयार कर दिया है। 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, आटा बहुत ही अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां कट कर लेंगे या फिर जितनी बड़ी आपको पूड़ी बनानी हो उस हिसाब से कट कर लें। अब इन्हें जिस तरह से हम पूड़ियां बेलते हैं उसी तरह से बेल लेना है। तो सभी को हम इसी तरह से बेल लेते हैं। तो तेल हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब बस इसे हमें फ्राई कर लेना है जिस तरह से हम पूड़ियों को फ्राई करते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। आप इसे दही के साथ, चटनी के साथ, जिससे चाहे आप उससे खा सकते हैं। दही के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया आता है। आप इन पूड़ियों को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही पसंद आएंगे आपको। तो अच्छी तरह से इन्हें फ्राई कर लेंगे, गोल्डन एंड क्रिस्प बिल्कुल। तो ये देखिए हमारी पूड़ियाँ कितनी अच्छी तरह से फूल रही हैं। सभी पूड़ियों को हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। सारी पूड़ियाँ हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए, बनकर तैयार है हमारे बहुत ही स्वादिष्ट मीठे पुआ। आप देख सकते हैं इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।